जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत बिहार ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सरदार पटेल मेमोरियल कॉलेज में पौधा लगाया। इस मौके पर श्रवण कुमार ने कहा कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए धरती पर 33% हरियाली की ज़रूरत है, इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने जन्मदिन के मौके पर एक पौधा जरूर लगाए ताकि जलवायु परिवर्तन को रोका जा सके। मंत्री श्रवण कुमार के पौधारोपण करने के बाद एनसीसी छात्र छात्रा एवं कॉलेज के शिक्षकों द्वारा भी पौधारोपण कार्य को किया गया। सबसे पहले तो सरदार पटेल महाविद्यालय के प्राचार्य को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इनके सहयोग से और इनके पहल से महाविद्यालय परिसर में जल जीवन हरियाली योजना के तहत जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए पौधे लगाने का निर्णय लिया और पौधे आज यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। यहाँ के शिक्षक भी, यहाँ के विद्यार्थी भी, एनसीसी के कैडर भी और यहाँ पर जो सब लोग आए हैं, सब लोग मिलके यहाँ पर पौधे लगा रहे हैं और इस पौधे लगा के संदेश देना चाहते हैं पूरे देश और दुनिया में कि जलवायु परिवर्तन को रोकना चाहिए। अगर बड़ी बीमारियों से मुक्ति चाहते हैं तो हर व्यक्ति अपने जन्मदिन के अवसर पर अपने माता पिता के नाम, अपने बच्चों के नाम, उनके जन्म दिवस पर एक पौधा अवश्य लगाए और 33% हरियाली परत बढ़ाने की दिशा में सब लोग पहल करें। नीतीश कुमार जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे उस समय बिहार में 9% हरियाली परत था और आज बढ़ के लगभग 16% के करीब हुए हैं और इस साल जो लक्ष्य है हमारा 5 करोड़ पौधे लगाने का, मनरेगा के द्वारा और वन विभाग के द्वारा भी अलग से उनके लिए लक्ष्य निर्धारित है, सब मिलाकर के 17% इस वित्तीय वर्ष में हम लोग हरियाली परत पर पहुँचेंगे। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है और भी इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। जब से जल जीवन हरियाली योजना बिहार में चल रही है और जब से जल जीवन हरियाली योजना चलाने का फैसला बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने लिया है, लगभग 15 करोड़ पौधे हम लोग लगा चुके हैं और सरकार का जो लक्ष्य है 19 करोड़ पौधे 2025 तक लगाने का लक्ष्य है। और इसके अलावे जो जनता का सहयोग है, जनता का जो प्यार इसमें मिल रहा है, जनता के तरफ से जो पहल हो रही है, ये सबसे काबिले तारीफ है। सब लोग मिलजुल करके जलवायु परिवर्तन को रोकना चाहते हैं, बड़ी बीमारियों से जो नुकसान होने वाला है उस पर काबू पाना चाहते हैं। जहां सरकार की एक योजना है जल जीवन हरियाली, उसके तहत पर्यावरण संरक्षण के लिए महाविद्यालय की NSS इकाई द्वारा वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा, जिसमें माननीय मंत्री श्रवण जी एवं नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार की गौरवमयी उपस्थिति होगी। कितने वृक्ष लग रहे हैं? लगभग 150 वृक्ष लगाया जाएगा, जिसमें फलदार वृक्ष भी है और इमारती वृक्ष भी है। उसके रख रखाव के लिए क्या व्यवस्था? रख रखाव के लिए व्यवस्था है कि उसके पटवन की व्यवस्था है, उसकी कटाई छटाई के लिए समय समय पर उसकी व्यवस्था महाविद्यालय की ओर से की जाती है। जलवायु के लिए? जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है उससे न केवल मानव जाति बल्कि पेड़ पौधे और पशु पक्षी भी आहत हो रहे हैं। अभी देखा जा रहा है कि जो जलीय स्तर है वह घटता जा रहा है, तो इसलिए पर्यावरण संरक्षण के लिए और जल का मात्रा बढ़ाने के लिए पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है। इतना ही नहीं, ये जो मिशन जल जीवन हरियाली है वह ग्रामीण विकास बिहार सरकार के द्वारा संचालित है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी पारंपरिक जल स्रोत का उन्नयन एवं नए जल स्रोत का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत तालाब की खुदाई है, नए पुराने कुएं हैं उनकी मरम्मती है, उनकी उड़ाही की जा रही है, उनकी सौंदर्यीकरण की जा रही है। हम अपने महाविद्यालय में भी पेड़ पौधा लगा करके पर्यावरण संरक्षण की दिशा में NSS की इकाई के मार्फत हम एक सफल प्रयास कर रहे हैं। हमारे स्वयंसेवक, सभी स्वयंसेवक इसमें भागीदारी दे रहे हैं।
हमारे कार्यक्रम पदाधिकारी जो हैं एनएसएस के और एनएसएस एनसीसी के, वो सारे इसमें लगे हुए हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर महेश प्रसाद सिंह, प्रधानाचार्य।